होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। बलरामपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद 24 घंटे के अंतर्गत सारे चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल किया है। यह ऐतिहासिक जीत की खबर आ रही है बलरामपुर जिले से, पुलिस थाना बरियो के ये खबर है। दरअसल बारियो पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर बीती रात चोरों ने राजेंद्र सोनी नाम के युवक की मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी। साथ ही पुलिस को सूचना मिली कि बारियो बस स्टैंड के ठेले के पास भी चोरी हुई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पुराने शातिर चोरों पर निगाह रखनी शुरू कर दी और पुलिस को बारीकी से जांच में 4 नाबालिग सहित कुल 6 लोगों को इस मामले में शामिल होने की सूचना मिली। पुलिस ने 4 नाबालिग सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सफलता हासिल की है। बरियो पुलिस चौकी के थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने बताया कि शातिर चोरों पर पुलिस की निगाहें बनी हुई थी और शक के आधार पर जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 बाइक और बहुत सारे पैसे भी बरामद हुए हैं। दिनांक 14/3/2020 को प्रार्थी राजेंद्र सोनी चौकी आकर रिपोर्ट लिखाया कि इसकी मोटरसाइकिल होंडा साइन को देरमानी रात 14 तारीख को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी बरियो में धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और घटना के संबंध में वरिष्ठ अपने अधिकारियों को सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त कर पुराने साथी चोरों पर निगाह रखा गया जो आज दिनांक 15 तारीख को जरिए वो भी सूचना मिली कि ग्राम उपरा का एक साथी चोर है तूफान करके, वो जो है पिछले 15-20 दिन पहले ही जेल से छुटा है और वो एक चोरी की मोटरसाइकिल में घूम रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए वही पुलिस बनाकर उसके दबिश दिया गया। तो उस तूफान के साथ एक घटना में एक और शामिल उसका साथी कमलेश जो है उसको पुलिस ने पकड़कर उस मोटरसाइकिल की चोरी में जो मोटरसाइकिल चोरी किए थे उसको बरामद किया गया है। तूफान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको पकड़ने के लिए टीम लगी है। और एक घटना दूसरी घटना हमारे यहाँ अभी बरियो में बस स्टैंड के पास 3 दुकानों में ताला तोड़ने की घटना अभी आज 15 तारीख को ही सुबह प्रातः हुआ था जिसमें भी पुलिस ने तीनों ठेला में जो चोरी हुआ था दुकानों में उस पर भी पकड़ने में सफलता हासिल किया है। घटना में 4 नाबालिग बच्चों को अंजाम दिया था, उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार व चोरी का मसल का रोगी नकदी रकम को बरामद कर लिया गया है।